गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उत्पल शेख। हमारा जॉस टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर के तरफ से कोविड 19 के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है और उसके साथ तुम लोग जो CPA अप्रैल में 2020 का बैच हो, तो तुम लोगों का रिक्वेस्ट में हम लोग ये ऑनलाइन क्लास चला रहा है। और ये ऑनलाइन तो लॉकडाउन के शुरू से ही मैंने बहुत सारी क्लास ऑनलाइन में लिए हैं एंड उसके साथ मैं उम्मीद रखूँगा तुम भी ये ऑनलाइन क्लास देख रहे हो और हर दिन ये ऑनलाइन क्लास तुम्हारा यूट्यूब के जरिए तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो इन्वेंटरी वाउचर हो रहा है तो उसमें लास्ट सीरीज में जो आए हैं जिस टाइप ऑफ वाउचर उसमें मेमोरेंडम जर्नल एक ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टैली में करने के पहले ये मेमोरेंडम जर्नल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको किस कारण में हम ये टैली में एंट्री करते हैं वो हमको समझना है। तो पहले ये मेमोरेंडम वाउचर क्या है हमको जानना है। तो देखो तुम ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो, इन टैली ERP 9 मेमोरेंडम जर्नल इज ए नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स फील्ड फ्रॉम वेयर वी कैन पास एनी काइंड ऑफ सस्पेंस पेमेंट एंट्री। ये जो सस्पेंस पेमेंट एंट्री इसका एग्जांपल क्या है हम नीचे दे दिए, ठीक है, हम बाद में आते हैं। तो सस्पेंस पेमेंट एंट्री सस्पेंस पेमेंट एंट्री एंड ऑन एनी डेट बट दिस टाइप ऑफ वाउचर विल नॉट एफेक्ट ऑन आवर करेंट अकाउंट्स बुक्स इन टैली ERP 9। इसका क्या मतलब है? तो टैली ERP 9 बट वी कैन कन्वर्ट दिस आवर करेंट अकाउंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हम फिर से ये डेफिनेशन हम रिपीट करते हैं। इन टैली ERP 9 मेमोरेंडम जर्नल इज ए नॉन अकाउंटिंग वाउचर फिल्ड फ्रॉम वेयर वी कैन पास एनी काइंड ऑफ सस्पेंस पेमेंट एंट्री और ऑन एनी डेट बट दिस टाइप ऑफ वाउचर विल नॉट एफेक्ट ऑन करेंट अकाउंट बुक्स इन टैली ERP 9 बट वी कैन कन्वर्ट दिस आवर करेंट अकाउंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है? अगर हम कंपनी के तरफ से एज एन अकाउंटेंट और एज एन कॉमर्शियल क्लार्क हमने किसी क्लार्क को और किसी एम्प्लॉय को एक सस्पेंस अकाउंट्स के लिए कुछ सस्पेंस पेमेंट के लिए कुछ दिया है अमाउंट, सस्पेंस पेमेंट क्या है, सपोज उसको हम फर्नीचर पेमेंट करने के लिए दिए, परचेस करने के लिए दिया, लेकिन ये फर्नीचर का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हमको पता नहीं, इसीलिए हम उसको 10,000 रुपीज़ दिया है। तो अगर फर्नीचर का दाम ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, अगर कम होगा तो अगर हम इसको करेंट अकाउंट में डाल दें तो रेस्ट ऑफ अमाउंट हम कैसे लेंगे और अकाउंट में कैसे हम इसको लिखेंगे ये हमको समझ आ नहीं गया। तो इसीलिए तो सपोज 10,000 दिया तो बाद में वो फर्नीचर परचेस करने के बाद वो हमको 2,500 रुपया वापस दिया है, तो हम कैसे इसको ये एंट्री करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट प्रेस कंट्रोल पास F10 में, अर्थात मेमोरेंडम जर्नल में तुमको ये एंट्री करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज अकाउंट दिया 10,000 टू कैश ₹10,000। तो ये 10,000 ये कैश से माइनस नहीं होगा, ये करेंट अकाउंट में नहीं जाएगा जब तक तुम इसको करेंट अकाउंट में नहीं डालो। तो बीइंग कैश पेड टू द एम्प्लॉय फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर के लिए परचेस के लिए तो एम्प्लॉय को कुछ रुपया तुम 10,000 रुपया दिया, लेकिन ये फर्नीचर का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये हमको पता नहीं, इसीलिए इसको सस्पेंस पेमेंट कहा जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अगर उसको हम करेंट अकाउंट में कन्वर्ट करें तो कैसे करें? तो करेंट अकाउंट में इसमें जाके हम F5 प्रेस करेंगे, इसमें जाके हम F5
प्रेस करेंगे, तब जाके यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट दिया उसको कन्वर्ट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट हम लिखेंगे 7500 एंड कैश को डीआर करेंगे। हाँ, कैश को डीआर नहीं करना पड़ेगा, टू एम्प्लॉय करके तुम यहाँ पे क्या ना एम्प्लॉय को 10,000 और कैश कितना है 2,500। अच्छा, तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर कैश आए हैं तो 7,500 कैश क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली 2,500 कैश ऑटोमेटिकली हमारा डेबिट हो जाएगा, वो हमको वापस मिल गया। इसीलिए ये और उसको मैनेज देना पड़ेगा। द बिल द अमाउंट ऑफ परचेस ऑफ फर्नीचर गिवन टू द एम्प्लॉय एडजस्टेड। तो एम्प्लॉय को जो पैसा दिया है वो परचेस करने का परचेस फर्नीचर करके बाद फर्नीचर को परचेस करने के बाद एडजस्ट हो गया।